पिछले कुछ सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस हो गई है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार बहुत से प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम कर रही है, जिससे देश की विकास की गति को बढ़ाया जा सके। और देश की विकास की गति को बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में की थी, पर फिर कोरोना पैंडेमिक के चलते इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया। पर फाइनली 13 अक्टूबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मास्टर प्लान को लॉन्च कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में, साथ में जानेंगे कि इस मास्टर प्लान के लिए भारत सरकार 100 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएगी और इस प्लान से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि भारत सरकार बहुत जल्द प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करने वाली है, जिससे देश के अंदर एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली। तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति योजना को लॉन्च किया। ये भारत सरकार का एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत के 16 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ा जा रहा है। ये योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में तो ऑलरेडी इतने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते फिर गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करते। तो देखो, इस प्लान की अहमियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारत में आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक बार रोड बनती है, कुछ दिन सही रहती है, पर फिर कुछ दिन बाद रोड अपने आप ही खराब हो जाती है, तो उसे दोबारा से बनाया जाता है। इसके अलावा कई बार तो कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते आधा काम होता है और आधा काम नहीं होता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि एक बार रोड बनती है फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि रोड के नीचे गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीवेज पाइपलाइन लगाई ही नहीं गई, तो इसके चलते फिर से रोड को तोड़ा जाता है, फिर गैस सीवेज पाइपलाइन लगाई जाती है और फिर से रोड को बनाया जाता है। अब इस मिसमैनेजमेंट से एक तो देश के लोगों को ट्रेवल करने में परेशानी होती है, तो वहीं भारत सरकार का पैसा वेस्ट होता है और साथ में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी बहुत डिले होते हैं। तो इसी मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। इस मास्टर प्लान के तहत 16 डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, रोड एंड हाईवेज, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन को एक साथ एक जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया जाएगा, जिससे मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। गति शक्ति मास्टर प्लान से भारत की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तक हमारे देश में मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सिर्फ रोड बनाने में ध्यान देती थी, रेलवे मिनिस्ट्री सिर्फ रेलवे में ध्यान देती थी, शिपिंग मिनिस्ट्री पोर्ट में ध्यान देती थी, पावर मिनिस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देती थी। तो इससे ये होता था कि इन मिनिस्ट्रीज के बीच तालमेल नहीं होता था। अगर कहीं पे रोड बनाना होता तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पहले रोड बना देती, बिना पावर मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्ट्री से पूछे कि इसके अंडरग्राउंड क्या आपको गैस पाइपलाइन लगानी है या आपको कोई केबल लगानी है। अब इससे ये होता था कि पहले रोड बन जाती थी, फिर बाद में
गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड को तोड़ा जाता, फिर गैस पाइपलाइन बिछाई जाती, फिर उसके बाद दोबारा से रोड को बनाया जाता। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे स्टेशन तो बना देती थी, पर रेलवे स्टेशन तक जाने में रोड नहीं बनी रहती थी, तो इससे लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी। पर अब गति शक्ति मास्टर प्लान के चलते सभी 16 मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर काम करेंगी। मान लो अगर कल को भारत सरकार को कहीं पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना हुआ, तो वहां पे सभी मिनिस्ट्रीज एक साथ आएंगी और एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू काम करेंगी। जैसे पहले गैस पाइपलाइन, सीवेज पाइपलाइन या जो भी अंडरग्राउंड काम होगा वो पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद रोड बनाई जाएगी, फिर रोड को हाईवे, रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जल्दी बन जाएगा और भारत के टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट नहीं होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान से सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, ट्रेवल टाइम कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ईज ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर को बनाने में आसानी होगी। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भारत सरकार इसरो की हेल्प ले रही है। इसरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगी जिसके चलते 16 डिपार्टमेंट्स एक दूसरे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग कर सकेंगे। मतलब कि अगर गैस पाइपलाइन लग जाएगी तो ये जानकारी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास जाएगी और फिर उसके बाद रोड बनाई जाएगी, फिर उस रोड को पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से कैसे जोड़ना ये बाकी के डिपार्टमेंट्स मिलके प्लान करेंगे। इसरो इन डिपार्टमेंट्स को सैटेलाइट के थ्रू प्रॉपर डेटा के साथ साथ इमेजेस भी प्रोवाइड करेगा, मतलब साइट पे बार बार जाना नहीं पड़ेगा, इससे काम जल्दी होगा और बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होने से बचेंगे। इस योजना के तहत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 2 लाख रूट किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे, 220 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम्स बनाए जाएंगे, एडिशनल 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी, 109 फार्मा और मेडिकल क्लस्टर बनाए जाएंगे, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर और मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, 197 मेगा फूड पार्क्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, 847 लाख मेट्रिक टन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी बनाई जाएगी, 202 फिशिंग क्लस्टर, हार्बर्स, लैंडिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, कार्गो कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इन सब से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा और साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में आसानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये योजना तो बहुत अच्छी है, पर भारत सरकार के पास 100,00,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? तो देखो, गति शक्ति मास्टर प्लान एक तरीके का फ्रेमवर्क है। भारत सरकार गति शक्ति मास्टर प्लान में 100,00,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। भारत में जो पेंडिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उन सबको एक जगह पे लाया जाएगा, जिससे ये सभी प्रोजेक्ट्स आपस में कनेक्ट हो सके। अगर आप इन सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट को जोड़ेंगे तो 100,00,000 करोड़ रुपए होगा। तो गति शक्ति को हाईलाइट करने के लिए भारत सरकार ने 100,00,000 करोड़ रुपए वाली बात कही है। फिर से ये बात मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि गति शक्ति में भारत सरकार 100,00,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करने वाली है, और इस बात को नितिन गडकरी जी ने भी क्लियर किया है कि गति शक्ति मास्टर प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का फ्रेमवर्क है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत भारत सरकार 2024-25 तक 100,00,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और गति शक्ति मास्टर प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सपोर्ट करेगा कि वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।